कर नहीं कर सकते, कोर्ट है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पहले अनंत सिंह 10 साल तक इनके साथ थे, तब 47-56 ललन जी को, नीरज जी को, अन लोगों को नजर नहीं आता था। पहले अनंत सिंह दूध के धुले हुए थे, ये लोग बहुत अच्छे थे, खराब थे ये लोग। आज एनआईए अभी भी आड़ा में एक्स एमएलए के यहाँ घर पे छापा मारा था, एमएलसी के यहाँ, वो भी इन्हीं के दल से हैं। उनके बारे में ये क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? मुंगेर से 547 बिक्री हुई है, जिसमें 300 नेताओं के घर में 47 है। इसके पहले इन्हीं के एमएलसी 2000 कारतूस गया में पकड़ाए थे, जो सप्लाई करता था नक्सली को। लगातार कोई है कुछ जो बयान आया हुआ, एक एमएलए जो आड़ा के हैं वो 47 सप्लाई करते हैं। तो मेरा तो सीधा आरोप है कि कई बार क्या कारण है, ये लोग सब महात्मा गांधी हैं, ये गोपालगंज के कौन पांडे, सुनील पांडे, नहीं नहीं गोपालगंज के पप्पू पांडे, तुम्मत सिंह, ये अजय, ये सभी लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? ये जितने माफिया लोगों का कितना 47 है इनको पता है? जिनको ये मंत्री बनाते हैं उनके हस्बैंड के पास कितना 47 है उनको पता कर लीजिए, किसके किसके पास 47 है। तो ये जबरदस्ती जो वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा आप करिए, मैं इस चीज के पक्ष में, अनंत जी अच्छे हैं खराब हैं, मैं इसका कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से आप, क्या है, एक बड़े पदाधिकारी और नेताओं के परिवार की पोस्टिंग करा करके जैसे मनाए हम वैसे करें, तब तो सब अपने अपने रिश्तेदारों का पोस्टिंग आप करा लीजिए डीएसपी और थाने के रूप में। पहले किसी चीजों की पारदर्शिता की जरूरत है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि क्या उनको रिपोर्ट है, लगातार जिस तरीके का बयान उनका आया था कि होम्योपैथी और एलोपैथी इलाज हम कर देंगे, भैया इलाज आप उनसे पूछिए कौन इलाज करवाने कर रहे हैं, जो उनके साथ नहीं रहेगा उनको मरवा देगा, उनको क्या करेगा। मैं गलत को आप कुछ भी कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कंप्लीट रूप से सरकार के स्टैंड के साथ रहूंगा गलत आदमी के खिलाफ। लेकिन ये माफिया तो इनको नजर नहीं आता, कभी इनका स्टैंड रहता है सरा पर जमीन, दोनों माफिया पूरा का पूरा बिहार कब्जा किया हुआ है, बालू माफिया से लेके सारा माफिया, ये मस्त है और एक आदमी पर लगे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये न्यायालय देख रही है और सब कुछ देख रहा है। मुझे लगता है कि हर पार्टी को ऐसे तरीके का विरोध करना चाहिए। मैं इस तरीके का विरोध करता हूं, कंडम करता हूं कि आप टारगेट करके किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए आप किसी के को खत्म कर दीजिए। कल तक हमाम में सब नंगे थे, हर डाल पर उल्लू बैठा अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। कल तक ये बहुत अच्छे थे, बाढ़ से एमपी का चुनाव लड़ते थे नीतीश जी, तो पूरा का पूरा साथ में घुमाना, सपोर्ट लेना, अन्य लोगों का सपोर्ट लेना, और तब तक घंटों घंटों एक रूम में गुटबैया करते थे ललन जी और अनंत जी, एक दूसरे के पूरक थे। और आज ललन जी और चुनाव लड़ लिए ललन जी के खिलाफ, तो एकदम दुश्मन बन बैठे। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और इस तरीके के पक्ष में नहीं हूं, इस पर सभी पार्टी को बोलना चाहिए, कल कोई नहीं बचे। कोई आया नहीं सर।